Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? Are you okay? I hope so. This is Khurshid Anwar Qasmi, your online English teacher and trainer. Today, I'm going to teach you a very important grammar lesson. I hope you listen to me carefully and try to understand everything which I'm going to explain on the whiteboard. Dear student, आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आज हम टेंस के बारे में बातचीत करने वाले हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि टेंस इंग्लिश लैंग्वेज की रीढ़ की हड्डी है। टेंस वो कॉन्सेप्ट है, वो चैप्टर है, टेंस वो बहस है जिसे मुकम्मल तौर पर न समझने की वजह से 60% आपकी इंग्लिश अधूरी रहती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू आर डूइंग ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज आप लोग ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं और इस कोर्स के अंदर मेरा मेन मकसद होता है लर्निंग लैंग्वेज यानी जबान और भाषा सिखाना। तो आइए जरा सा इस पर हम एक नजर डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंदर मेरा मेन टारगेट है लैंग्वेज यानी भाषा सिखाना। सवाल यह है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं इजहार माफी जमीर को। लैंग्वेज इज दैट यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग बाय इट। भाषा वो होती है जिससे आप अपनी मन की बात बयान कर सकें, वाजह कर सकें। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहले नंबर की चीज होती है टेंस और दूसरे नंबर की चीज है सेंटेंस। ये दो चीजों पर इंग्लिश लैंग्वेज टिकी हुई है। टेंस को इंग्लिश लैंग्वेज का 60% हिस्सा माना जाता है। टेंस को कितना परसेंट? 60% हिस्सा माना जाता है। ये एक तवील बहस है। इस बहस को समझने के बाद 60% इंग्लिश लैंग्वेज पर आप कुदरत हासिल कर लेते हैं। आज लेसन नंबर 19 से मैं इस बहस का आगाज करने जा रहा हूं और इस बहस का इख्तिताम मैं लेसन नंबर 46 पर तफसीली तौर पर करूंगा, जबकि मैं आपके सामने टेंस को दो नजरिए से पढ़ाने वाला हूं। एक इन डिटेल्स यानी तफसीली तौर पर और दूसरा शॉर्ट टेंस यानी मुख्तसर अंदाज में। टेंस की अहमियत के पेश नजर मैंने अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर में तवील बहस किया है। तकरीबन 150 सफहात पर मुश्तमिल इंग्लिश लैंग्वेज के इस टेंसेस की बहस है, जिसमें मैंने हर एक टेंस को दो नजरिए से पढ़ाया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जो लोग भी मेरे यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करते हैं उन लोगों के लिए भी यही तरतीब रहती है। मेरा कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसके अंदर मेन मकसद होता है लर्निंग लैंग्वेज यानी जबान और भाषा सिखाना, इसके लिए 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है यानी 90 डेज का कोर्स है। इस 90 डेज में से 1 से लेकर के 18 तक यानी 18 तक हम थोड़ा बेसिक लेवल के ग्रामर पर डिस्कस करते हैं, जबकि 18 से आज आपका टेंस की बहस शुरू हो रही है और ये चलेगी सर 46 तक। चार लेसन में इस टेंस की बहस को शॉर्ट अंदाज में जिक्र किया गया है, तो 46 से लेकर के 50 तक चार लेसन में भी हमने टेंस को जिक्र किया है। आप देख सकते हैं कितनी तवील बहस है, यानी लेसन नंबर 18 से लेकर लेसन नंबर 50 तक हम तकरीबन 150 सफहात पर मुश्तमिल इसी बहस के ऊपर रनिंग करेंगे और इस पर बहुत सारी वीडियोस बनने वाली हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे हर एक वीडियो के लिए आप मुंतजिर रहिए और हर एक सबक को बगौर समझिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको समझा रहा था
कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो हमारा मेन टारगेट होता है लर्निंग लैंग्वेज यानी भाषा सिखाना, और लैंग्वेज का मतलब होता है इजहारे माफी जमीर, मीन्स दैट जो चीज मेरे जहन में है मैं उसे आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं। अब सबसे पहले नंबर पर हम लैंग्वेज के फर्स्ट स्टेप पर एक नजर डालते हैं। लैंग्वेज का जो पहला स्टेप्स है वो है LETTER, लेटर। लेटर्स का मतलब होता है हरूफ। किसी भी लैंग्वेज को लिखने पढ़ने और बोलने के लिए वाज़ईन लुगत कुछ हरूफ को वज़ा करते हैं, जिन हरूफ को मिला करके पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को तैयार की जाती है। इस नज़रिए से देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल हरूफ की तादाद 26 है, जो पिछले कई असबाक में इसका तज़करा किया गया है। दूसरे नंबर पर लेटर्स का अगला दर्जा वर्ड्स का है। वर्ड्स का मतलब होता है अल्फाज, यानी चंद हरूफ को मिला करके किसी खास माना के लिए वाज़ईन लुगत लफ्ज़ों को वज़ा करते हैं। याद रहे, लफ्ज़ों को वज़ा करने का काम हमारा नहीं है बल्कि वाज़ईन लुगत का है। हम या आप जब लैंग्वेज बोलते हैं तो वाज़ईन लुगत के वज़ा करदा अल्फाज जो डिक्शनरी में मौजूद हैं हम उसे अपनी भाषा में लिखने में और पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ तक की बात किया जाए कि एक इंसान जैसे कि तसव्वुर करें ये एक साहब है, ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, या मान के चलिए ये दूसरे साहब हैं, इन दोनों की एक गुफ्तगू करना चाहते हैं ये लोग, तो क्या इनकी जो गुफ्तगू होगी वो किस अंदाज से, वो ABCD से कर सकते हैं क्या? चुनांचे क्या कभी आपने एक ऐसे दो बंदों के देखा है जो एक शख्स कहता हो ए और कोई कह रहा बी, कोई कह रहा सी, कोई कह रहा डी। आपने उनसे पूछा कि सर व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उनका सिंपली जवाब था वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। क्या ABCD से किसी की बात समझी जा सकती है? इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। ऐसा इसलिए कि लेटर्स जो है मीनिंगलेस होते हैं, उनका कोई माना नहीं होता है। चलिए, क्या मुफरद लफ्जों से हम अपनी माफी जमीर को जाहिर कर सकते हैं? मैं यहां पर अल्फाज लिखता हूं। अगर एक शख्स सिर्फ ये कहता है मैं का मतलब आई होता है, या सिर्फ कहता है खाना और आगे कुछ नहीं बोल रहा, ईट कुछ नहीं बोल रहा, या किसी ने कहा जैद मर गया है नहीं मरा है, आया है कि नहीं आया है, क्या है, इसके बारे में कुछ आगे नहीं बोलता है, तो आपकी बात नहीं समझी जा सकती है। हालांकि एक इंसान जब कभी भी अपने मुंह से कोई आवाज निकालता है तो उसका एक मफहूम होता है, एक माना और एक मतलब होता है। लिहाजा आप मुफरद लफ्जों से अपनी माफी जमीर को नहीं जाहिर कर सकते हैं। तो फिर दौर किसका आता है? तब दौर आता है सेंटेंस का। कहते हैं आफ्टर कंबाइनिंग सम वर्ड्स इट विल बी प्रिपेयर्ड अ सेंटेंस। चंद अल्फाज को मजमूए से मिलाने से एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस की डिफिनेशन पीछे भी मैंने आपको समझाया था, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग्स। सेंटेंस एक मुकम्मल जुमला होता, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ होता है कि जब कहने वाला कहकर खामोश हो तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो। ऐसे नजरिए से देखा जाए तो ये जो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज है, आप पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की तर्जमानी किससे करेंगे बताइए? सेंटेंस से करेंगे। सेंटेंस के बगैर लैंग्वेज तैयार नहीं हो सकती है। सवाल यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या टेंसेज ही के अंदर सेंटेंस होते हैं? नहीं, टेंसेज और भी हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का 60% सेंटेंसेस का ताल्लुक टेंसेस के मबाहिस से है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप टेंसेस के मबाहिस को क्लियर कर लें तो आप 60% इंग्लिश लैंग्वेज पर कुदरत हासिल कर लेंगे। इसलिए मैं इस बात को तफसील से पढ़ाता हूं और बहुत मेहनत के साथ। जो भी तलबा मेरे यहां पढ़ते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं टेंस पर इतना ज्यादा मेहनत कराता हूं कि एवरी काइंड्स ऑफ टेंस इट विल बी क्लियर इन देयर माइंड। हर एक किस्म का टेंस उनके जहन में
बिल्कुल अजहर मिन शम्स हो जाता है। आपसे भी मैं दरखास्त करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आने वाले टेंसेस के हर एक वीडियो को जरूर देखिए, और अगर आप मेरे ऐप से जुड़े हुए हैं तो बितरतीब सबक को पढ़िए। अगर आपके पास मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी लुगात या और ग्रामर नहीं है तो प्लीज उसको जरूर अरेंज कीजिए, उसको मंगवाइए। महज एक मरतबा आप कॉल कीजिए 7520007006 पर, आपकी किताब आपके घर तक होम डिलीवरी हो जाएगी। इसीलिए आप सबसे दरखास्त है कि प्लीज आप किताबों के साथ इन वीडियोस को जरूर वॉच करें। तो आइए डियर, समझ रहे थे जैसा कि मैंने बताया आपको कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का लुगवी तर्जमा अगर देखा जाए तो टेंस का लुगवी तर्जमा होता है जमाना। क्या होता है डियर बताइए? जमाना। जमाना का मतलब होता है काल। जमाना का मतलब होता है काल। तो टेंस का तर्जमा हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो काल होता है। और इस काल का और जमाने की टोटल तीन किस्में होती हैं। नंबर एक PRESENT प्रेजेंट, नंबर दो PST पास्ट, एंड थर्ड नंबर का होता है FUTURE फ्यूचर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग विच आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। मुझे उम्मीद है कि आप हर उस बात को बखूबी समझ रहे होंगे जो अभी मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर वाजे कर रहा हूँ। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू डैट, अभी मैंने आपको ये बताया कि टेंस की टोटल तीन बड़ी किस्में होती हैं। नंबर एक प्रजेंट, जिसको उर्दू जबान के हिसाब से जमाने हाल कहा जाता है, और हिंदी जबान के हिसाब से इसे वर्तमान काल कहा जाता है, और दूसरा है पास्ट, जिसको उर्दू के हिसाब से जमाने माजी यानी भूतकाल, गुजरे हुए समय को, जो भी औकात आपने गुजार दिया है, बैक जा चुका है, उसको हम पास्ट कहते हैं। और द टाइम विच इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट, फिलहाल वो समय जो अभी हमारा चल रहा है, जैसे जिस वक्त मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं करेक्ट सुबह के 8 बज रहे हैं, और इस वक्त ये प्रेजेंट टाइम है। थोड़ी देर के बाद यही प्रेजेंट टाइम पास्ट बन जाता है, क्योंकि ये गुजरा हुआ समय हो जाता है। और नेक्स्ट होता है द टाइम विच विल कम, वो समय जो अभी आया नहीं है बल्कि आएगा, उसको उर्दू जबान के हिसाब से जमाने मुस्तकबिल कहते हैं, और अगर हिंदी भी जबान के हिसाब से देखा जाए तो उसे भविष्यकाल कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप हर बात को नोट जरूर कीजिए, कॉपी में लिखिए और पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो जस्ट आई हैव टोल्ड यू डैट हमारे पास जमाने की टोटल तीन बड़ी किस्में होती हैं। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये बात भी जहन नशी होनी चाहिए कि जमाने की कोई चौथी किस्म नहीं है। हमारी जो लाइफ है, ये लाइफ भी तीन हिस्सों में बटी हुई है। एक वो लाइफ जो बर्थ के वक्त से लेकर के एट द मोमेंट यानी फिलहाल के वक्त तक, जो भी आपका समय है, जैसे जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप 50 साल का हैं तो 50 साल का जो समय गुजरा है, इट इज योर पास्ट लाइफ, ये आपकी पास्ट लाइफ है। और फिलहाल जो आप 2021 में ये जो वक्त गुजार रहे हैं, दिस इज योर प्रेजेंट लाइफ, ये प्रेजेंट लाइफ है। एंड द टाइम्स, और वो लाइफ का वो हिस्सा जो अभी आपने गुजारा नहीं है बल्कि गुजारेंगे, वो डेट इज योर फ्यूचर लाइफ। तो हम सब के लाइफ की तीन कैटेगरी होती है, प्रेजेंट लाइफ जो अभी चल रही है, पास्ट लाइफ जो हमने गुजार दिया है, और फ्यूचर लाइफ जो हम आइंदा गुजारेंगे। दरअसल जो लैंग्वेज है हमारी लाइफ की तर्जमानी करती है, भाषाएं हमारी जिंदगी की तर्जमानी करती है। तो हमारी पास्ट लाइफ को बयान करने के लिए जितने भी जुमलों को हम प्रयोग करते हैं, उन तमाम जुमलों का ताल्लुक पास्ट टेंस से होता है। और अपनी प्रेजेंट लाइफ को तर्जमा करने के लिए या अपने प्रेजेंट लाइफ को बयान करने के लिए जिन जुमलों को हम प्रयोग करते हैं, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं।
और अपनी आने वाले समय के बारे में जो काम हम करने वाले हैं, किए नहीं हैं और न कर रहे हैं बल्कि करेंगे, उनके बारे में बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस के क्लासेस को प्रयोग करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज टू मच इम्पोर्टेंट। इसी वजह से मैंने शुरू में भी कहा कि ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पूरे टेंस की वजाहत तो नहीं करूँगा, अलबत्त मैं टेंसेस के ताल्लुक से जो फहरिस्त है, जो पूरे टेंस में जिक्र होने वाले क्लासेस हैं, उनकी एक तफसीली फहरिस्त जिक्र करने वाला हूँ। अभी भी आप स्किप मत होइए और पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको समझाया गया था कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का 60% हिस्सा टेंसेस से बिलोंग करता है और लैंग्वेज दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक टेंस के ऊपर और दूसरा सेंटेंस के ऊपर। तो टेंस के बारे में आपने समझा, थोड़ा सा मैं टेंस की अलामत भी बता दूं ताकि आप उर्दू से अंग्रेजी सीख रहे हैं या हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इजीली आप किस तरह के जुमलों को प्रेजेंट टेंस में तसव्वुर करेंगे और किस तरह के जुमलों को पास्ट टेंस में तसव्वुर करेंगे और किस तरह के जुमलों को फ्यूचर टेंस के कैटेगरी में रखेंगे, वो भी बखूबी आपको समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन एंड ट्राई टू लिसन, आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रेजेंट टेंस जमाने हाल, इस हाल को बयान करने के लिए उर्दू और हिंदी जबान में जो लफ्ज है वो है, दूसरा हैं, तीसरा हो और चौथा हूं। ये चार उर्दू जबान के या हिंदी जबान के कर लीजिए, हैं, हो, हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये फोर ऐसे वर्ड्स हैं उर्दू जबान के और हिंदी जबान के कि ये लफ्ज किसी भी जुमले के अंत में आ जाएं तो आंख खोल करके नहीं बंद करके आप उसे प्रेजेंट तसव्वुर कीजिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मिला मुझे? हूं। सो ये बात कंफर्म हो गया कि मैं पढ़ा रहा हूं वाला ये जुमला किसी न किसी प्रेजेंट टेंस से ताल्लुक रखता है। इसी तरह जैद सोया हुआ है, जैद सोया हुआ है, इस जुमले को आप कहां लेकर जाइएगा? प्रेजेंट टेंस में। कोई भी ना कोई जुमला होगा जो प्रेजेंट टेंस का ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से वो उदास है, हम लोग खुश हैं, वो लोग बीमार हैं, नून गुन्ना वाला हैं। जैद सो रहा है, वे लोग आ गए हैं, मैं खाना खा चुका हूं, तुम क्या कर रहे हो, वे लोग क्या कर रहे हैं। इन तमाम जुमलों का ताल्लुक देखिएगा अंत में हैं, हो, हूं है। कहीं भी ऐसे कोई जुमले पाए जाए जिसमें ये अलामतें पाई जाए तो आंख बंद करके आप उसे प्रेजेंट टेंस तसव्वुर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नो समथिंग अबाउट पास्ट टेंस। चलिए अब जरा सा पास्ट टेंस के बारे में जान लेते हैं। पास्ट टेंस के लिए मशहूर पहचानने का तरीका है उर्दू जबान में था, थी और जी थे, हिंदी जबान में और उर्दू जबान में। इस जैसे पास्ट टेंस को पहचानने के लिए गौर कीजिए कि जुमले के अंत में था, थी, थे है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसा जुमला जिसमें ये तीनों में से कोई एक लफ्ज पाया जाता है, जैसे जैद सो रहा था, हम लोग काम कर रहे थे, वे लोग उदास थे, वे लोग अमरीकी थे, उन लोगों को मार दिया गया था, इन तमाम जुमलों में था, थी, थे आ रहा है, इसलिए इन जुमलों का ताल्लुक पास्ट टेंस से होगा। अब पास्ट टेंस का कौन सा क्लास है, इसके लिए तो मैंने बताया बहुत तफसीली बात है, पूरा आप पढ़िएगा तब जाकर समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस क्या होता है सर, इसे भी समझ लेते हैं। फ्यूचर टेंस के लिए उर्दू जबान के अंदर गा, गी, गे अलामत मानी जाती है। हिंदी में भी कर लीजिए, गा, गी एंड गे, ठीक है, गा, गी, गे। ये किसी भी जुमले के अंत में अगर ये गा, गी, गे आ जाए तो आंख बंद करके आप उसे फ्यूचर टेंस तसव्वुर कीजिए। जैसे वो आएगा, हम लोग पढ़ेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम एक अच्छा स्पीकर बनेंगे, तुम कब आओगे, इन तमाम जुमलों में गा, गी, गे आ रहा है, इसलिए इन जुमलों को हम क्या तसव्वुर करेंगे, बोलो, फ्यूचर टेंस।
अब बात कर लेते हैं टेंस, तो तीनों समझ में आ गया आपको। ये सेंटेंस कौन कौन सा होता है डियर, सेंटेंस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सेंटेंस का एक पहला, चार तरीके के सेंटेंस इंग्लिश टेंसेज के अंदर जिक्र किए जाते हैं। फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज इन इंग्लिश टेंसेज आर एक्सप्लेन्ड। चार तरीके के जुमले इंग्लिश के टेंसेज में जिक्र किए जाते हैं जो कि 60% हिस्सा को हासिल कर लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर तरीके के सेंटेंसेस का ताल्लुक टेंस से ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं 100 में से 40% हिस्से यानी 40% सेंटेंसेस का ताल्लुक किसी आउट ऑफ टेंस से भी होता है। बहरहाल जिस इंग्लिश के टेंस के मबाहिस में जिन सेंटेंसेस को जिक्र किया जाता है उसमें से एक का नाम सिंपल है, जिसको प्रीडिकेट भी कहा जाता है। नहीं सर, सिंपल है जिसको इंडेफिनिट भी कहा जाता है, और दूसरा है CONTINUOUS कंटिन्यूअस, और तीसरा है डियर स्टूडेंट्स परफेक्ट PERFECT परफेक्ट, और डियर चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके गाइस, ये चार तरीके के ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका ताल्लुक इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस के मबाहिस के अंदर जिक्र किया जाता है। पहला है सिंपल। व्हाट इज सिंपल, और किस तरह के जुमलों को बयान करने के लिए हम सिंपल टेंस को प्रयोग करते हैं। द एक्शंस विच यू हैव नॉट स्टार्टेड टिल नाउ, वो काम जो अभी नहीं चल रहा है, वो अभी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि किसी वक्त वो होता है या होगा या हुआ था, ऐसी बात अगर पेश करनी है तो उसके लिए हम सिंपल टेंस को प्रयोग करते हैं। फिर सिंपल टेंस की तीन किस्में होगी तीनों जमानों के हिसाब से। पहला, अगर प्रेजेंट को सिंपल से जोड़िएगा तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, यानी वो कार्य जो होता है लेकिन अभी नहीं हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रयोग करते हैं, और वो कार्य जो किसी जमाने में कल परसों तरसों किसी वक्त हुआ था अभी नहीं हो रहा है उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस को प्रयोग करते हैं, और वो कार्य जो आइंदा जमाने में होंगे अभी नहीं हो रहे हैं उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस को प्रयोग करेंगे। तो बात समझ में आ गई। सीधा सिंपल का लोगी तर्जमा सीधा साधा होता है, जबकि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस का लोगी तर्जमा होता है स्टार्टेड नॉट एंडेड, यानी कोई भी कार्य जो कि शुरू हो गया है और खत्म नहीं हुआ है। नॉट एंडेड का मतलब खत्म नहीं हुआ है। देखिए, बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जिसे हम शुरू तो कर देते हैं लेकिन खत्म नहीं किए होते हैं, बल्कि तकल्लुम के वक्त वो कार्य चल रहा है। जैसे थोड़ी देर पहले मैं नहीं पढ़ा रहा था लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूँ, और अभी भी मुस्तकिल पढ़ा ही रहा हूँ, अभी मेरे पढ़ाने का सिलसिला नहीं ख़त्म हुआ है। सो दिस इज कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस दरअसल कंटिन्यू फेल से मुश्तक है, जिसका मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड बमाना जारी रहना, चलना। डियर स्टूडेंट्स, सो स्टार्टेड नॉट एंडेड यानी जो शुरू तो हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, जो अभी चल रहा है, ऐसे कंडीशन को बयान करने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस को प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज दैट परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? ये परफेक्ट होता है कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड जितने भी एक्शंस होते हैं यानी वो कार्य जिसे आपने शुरू तो किया था और उसे मुकम्मल भी कर दिया था। सो ऐसे जुमलों को बयान करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करेंगे बताइए? परफेक्ट टेंस को प्रयोग करेंगे। जैसे मैं नाश्ता कर चुका हूँ, अभी मैं नाश्ता कर नहीं रहा हूँ, करूँगा भी नहीं, बल्कि शुरू तो किया था और ख़त्म भी कर चुका हूँ यानी मुकम्मल हो गया है। सो दिस इज कंप्लीटेड एक्शन। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीटेड एक्शन, अगर आप जब कभी भी कंप्लीटेड एक्शन के बारे में अपनी जबान खोलते हैं उस वक्त जिस टेंस का आप प्रयोग करते हैं उस सेंटेंस का ताल्लुक
परफेक्ट टेंस से होता है। डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? परफेक्ट का लघुवी मतलब होता है कंप्लीटेड, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो जारी रहता हो। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, सर ये वाला सेंटेंस तो कुछ अजीबो गरीब लग रहा है, कैसे मुमकिन है कि एक काम चालू भी हो और एक काम खत्म भी हो चुका हो? क्योंकि इस सेंटेंस के नाम में दो लफ्ज हैं, परफेक्ट है जो इस बात पर दलालत कर रहा है कि काम हो चुका है, और कंटिन्यूअस है जो इस बात पर दलालत कर रहा है कि काम अभी हो रहा है। कैसे मुमकिन है कि काम हो भी चुका है और हो भी रहा है? ये आपके जहन में सवाल होनी चाहिए। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर इज्तिमाए जिद्दैन लाजिम आ रहा है। उसके सिलसिले में जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस के तफसीली बहस को लेसन नंबर 41 से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मुख्तसरन ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई कार्य चल रहा है और अभी भी चल रहा है, तो अब ये देखना होगा कि उस काम के कितने परसेंट हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और कितना परसेंट हिस्सा बाकी है। उसके लिए आपको कुछ ऐसा जुमला बोलना पड़ेगा जिसमें काम के इब्तदाई वक्त का तस्करा करना होगा। जैसे आप कहिएगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो गोया कि 4 घंटे तक मुझको पढ़ाना है, तो 2 घंटा पढ़ा चुका हूँ, यानी 50% काम हो चुका है। तो इस बात के लिए जब कभी भी आप वक्त और समय का तस्करा कर देते हैं कि ये काम फला समय से हो रहा है, तो उस वक्त हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रयोग करते हैं। और अगर सिंपल ये कहते हैं कि काम चल रहा है, कब से चल रहा है, इसका तस्करा नहीं करते हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर आपको ये बताना है कि काम हो चुका है, तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको ये बताना है कि काम अभी न चल रहा है न हुआ है, बल्कि होगा या हुआ था या होता है, तो उसके लिए हम सिंपल टेंस को प्रयोग करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल एंड एवरीथिंग विच आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल्स। शायद आप वो तमाम बातें समझ चुके होंगे जो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पर तफसील से समझाया है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखनी होगी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टेंसेस के क्लासेस कितने हैं, वो आप सीधे सीधे काउंट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 है, यानी 1, 2, 3, 4, ये 4 हैं। 1, 2, 3 के अंदर उसको मल्टीप्लाई कीजिए। आइए हम देख लेते हैं इस मैथमेटिक्स को, यानी 4 सेंटेंसेस को 3 टेंसेस के अंदर आपने मल्टीप्लाई किया। 3 टेंसेस के, दिस इज अ टेंसेस एंड दिस इज सेंटेंसेस, ठीक है सर? फिर से देखिएगा, 4 बोलो सेंटेंसेस को कितने 3 टेंसेस के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो टेंस जो टोटल क्लासेस निकल करके आए, दीज आर 12 क्लासेस। तो टेंस के कितने क्लासेस निकल कर आ गए बताइए? 12 क्लासेस। कौन कौन? आप इनमें से हर एक के शुरू में पहले तो प्रेजेंट को जोड़िए और काउंट कीजिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 क्लास बन गए। फिर अब पास्ट को लाइए, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टोटल 4, 4, 8 हो गए। फिर फ्यूचर को लाइए और बोलिए फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैव यू अंडरस्टूड डियर? शायद आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो इस तरीके से टोटल 12 क्लासेस इंग्लिश टेंसेज में निकल कर आते हैं। और फिर इन 12 क्लासेस को हम 2 नजरिए से पढ़ेंगे। एक का नाम होता है ACTIV एक्टिव, और दूसरे का नाम होता है PASSIVE पैसिव। एक्टिव कहते हैं फेल मारूफ को, यानी जिसके अंदर काम के करने वाले को जिक्र किया जाए, और पैसिव कहते हैं फेल मजहूल को, जिसके अंदर काम के करने वाले को जिक्र ना किया जाए, ठीक है? इस तरह अब आप 12 को यानी 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए सर 2 से, सो इक्वल 24 क्लासेस हो जाएंगे। तो अगर आप इन यानी 12 टेंसेस को अगर आप एक्टिव और पैसिव के नजरिए से भी पढ़िएगा, तो ये टोटल 24 क्लासेस हमारे सामने हो जाएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मैंने बहुत तफसील के साथ
हर बात को समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर हैं तो आप इसे फॉलो कीजिए और उसको लाइक कीजिए, और अगर आप ऐप पर मौजूद हैं मेरे डबल IEL वाले ऐप पर, तो आप प्लीज़ अपने ऐप के सिलसिले में अपने दिगर दोस्तों को भी बताइए। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।